इसराइल गाजा युद्ध में अब परमाणु बम की एंट्री हो गई है। इसराइल के पास दशकों से परमाणु हथियार हैं, लेकिन इसराइल अरसे से अपने परमाणु हथियारों पर खुलकर बोलने से बचता आया है, लेकिन दावा किया गया जाता है कि इसराइल का सिर्फ एक परमाणु बम गाजा की पूरी आबादी को भाप बनाकर उड़ा सकता है। परमाणु हमले का विकल्प नंबर एक, परमाणु हमले का विकल्प नंबर दो, परमाणु हमले का विकल्प नंबर तीन, परमाणु हमले का विकल्प नंबर चार, में परमाणु हमले के इस चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प का इस्तेमाल अगर इसराइल ने किया तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। अगर इसराइल गाजा की जंग में न्यूक्लियर अटैक का नंबर आ गया तो मिडिल ईस्ट की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। गाजा में अगर इसराइल ने परमाणु बम गिरा दिया तो पूरा का पूरा गाजा वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। गाजा में बिखरे मलबे में एक ऐसी आग लगेगी जिससे सब कुछ भाप बन जाएगा। उस परमाणु हमले के आगे इसराइल की तरफ से गाजा में हो रहे ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी कई ठोस वजह है। परमाणु धमकी नंबर एक, इसराइल के मंत्री अमिहाई एलियाहू ने गाजा पर परमाणु बम से हमला करने का भी विकल्प बताकर खलबली मचा दी है। परमाणु धमकी नंबर दो, इजरायली सांसद टाली गोटलिएव ने हमास के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने को कहा है। परमाणु धमकी नंबर तीन, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रण किया है कि इसराइल ईरान को परमाणु बम से दूर रखने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, लेकिन अपने मंत्री अमिहाई एलियाहू के गाजा पर परमाणु बम से हमला करने वाले बयान पर बेन्यामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेतन्याहू ने गाजा पर परमाणु बम से हमले के विकल्प को सिरे से खारिज कर दिया है। नेतन्याहू का कहना है, अमियाही एलियाहू का बयान वास्तविकता पर आधारित नहीं है। मशहूर वेबसाइट इसराइल 365 के मुताबिक इसराइल ने परमाणु हथियारों को लेकर 1948 से ही एक पॉलिसी बना रखी है। उसी पॉलिसी को अमल में लाकर इसराइल ने दुनिया के सामने ना तो परमाणु हथियार होने की बात कबूली है और ना ही इससे इनकार किया है। ये बात अलग है कि हर कोई जानता है कि इसराइल के पास कई बेहद खतरनाक और एडवांस्ड न्यूक्लियर हथियार हैं। अब तक किसी इजरायली प्रधानमंत्री ने यह नहीं माना कि इसराइल के पास एटमी हथियार हैं। इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए नेतन्याहू ने भी गाजा पर परमाणु हमले के विकल्प को कोरी कल्पना करार दिया है। वहीं इसराइल के मंत्री के परमाणु हमले वाले बयान पर रूस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस ने कहा है कि इसराइल को अपनी न्यूक्लियर स्टेटस बतानी होगी, क्योंकि इसराइल के मंत्री का बयान कई सवाल खड़े करता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इसराइल की तरफ से परमाणु धमकी आई है। हाल ही में गाजा युद्ध के शुरुआत के वक्त इसराइल के एक सांसद ने अपनी सरकार से हमास के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने को कहा है। परमाणु बम के इस्तेमाल पर विचार करने की सलाह देने वाले इसराइली सांसद का नाम टाली गोटलिएव है। गोटलिएव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि हमास से निपटने के दौरान इसराइल को निर्दयी होने की जरूरत है। टाली गोटलिएव ने अपनी पोस्ट में लिखा है, केवल एक विस्फोट जो मध्य पूर्व को हिला देगा,
इस देश की गरिमा, ताकत और सुरक्षा को बहाल करेगा। ये प्रलय का दिन शून्य का समय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टाली गोटलेव ने इजराइल के जेरिको मिसाइल का जिक्र किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जेरिको मिसाइल से इजराइल चाहे तो परमाणु हमला भी कर सकता है। इजराइल को लेकर दावा किया जाता है कि अपनी मिसाइलों के जरिए वो सिर्फ गाजा या फिलिस्तीन ही नहीं, मिडल ईस्ट के किसी भी देश पर परमाणु हमला बोल सकता है। इजराइल की परमाणु मिसाइल ठीक ऐसे ही धुआं उड़ाती, आसमान को अपनी आग से जलाती हुई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलेगी। इजराइल के टारगेट पर सर्वनाश का शोर गूंज उठेगा। वहां की तस्वीर ठीक वैसी दिखेगी जैसे बरसों पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखी थी। पूरी दुनिया को यह यकीन है कि इजराइल के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है। माना जाता है कि इजराइल समंदर से लेकर जमीन तक से मार करने वाले परमाणु हथियारों से लैस है, लेकिन इसका ऐलान कर इजराइल अपने दुश्मनों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं लगने देना चाहता। सवाल है, इजराइल ने दुनिया के सामने कभी ये क्यों नहीं माना कि उसके पास एटमी हथियार है? परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली एक एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि इसके पीछे दो खास वजहें हैं। पहली वजह, एनपीटी पर दस्तखत। अगर इजराइल ये मान लेता है कि उसके पास परमाणु हथियार है तो उसे परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत करने पड़ेंगे। दूसरी वजह यह है कि हो सकता है कि परमाणु हथियार छिपाने के जुर्म में इजराइल पर कुछ पाबंदियां भी लगा दी जाए। तीसरी वजह जांच की आशंका है, क्योंकि अगर इजराइल ने परमाणु हथियारों की मौजूदगी की बात मानी तो उसे परमाणु ठिकानों को जांच के लिए खोलना पड़ेगा। यही वजह है कि इजराइल अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा नहीं करता। ऐसे में उसके पास कितने हथियार हैं, इसका आकलन लगाना मुश्किल है। लेकिन दुनिया भर के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियारों का जखीरा है। इनमें से 30 ग्रेविटी बम हैं, जिन्हें लड़ाकू विमानों के जरिए निशाने पर गिराया जा सकता है। 50 परमाणु बम जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाए जा सकने वाले बम हैं। दावे के मुताबिक इजराइल 6 डॉल्फिन क्लास की पनडुब्बियों से भी परमाणु हमला बोल सकता है। माना जाता है कि ये बम यरूशलम के नजदीक एक सैन्य अड्डे की गुफाओं में मोबाइल लॉन्चर्स के साथ रखे गए हैं। हम आपको इजराइल के सभी परमाणु ठिकानों की सटीक लोकेशन बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इजराइल के न्यूक्लियर पावर से जुड़े रहस्य को जान लीजिए। FSA यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक इजराइल के पास करीब 980 किलोग्राम प्लूटोनियम का भंडार है, जिससे वो 170 से 278 परमाणु बम बना सकता है। रही बात गाजा पर परमाणु अटैक, तो अगर परमाणु हमला करना ही हुआ तो इजराइल इसे अपने बड़े परमाणु बमों के बजाय छोटे परमाणु बमों से अंजाम देगा, जिसे हथियारों की भाषा में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है।